हेलो गाइस, वेलकम टू सैम के व्लॉग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का बढ़िया वेदर देखते हुए मैं और मेरा दोस्त दीपांशु निकल गए एक सफ़र पर। सफ़र कुछ ऐसा था कि हमने काफ़ी टाइम से एक जगह देखी थी जहाँ पे वाटरफॉल है पर बारिश नहीं हो रही थी, बट अब काफ़ी दिन बाद बारिश हुई तो हम लोग निकल पड़े वाटरफॉल देखने। ये जो वाटरफॉल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है बाकी चीज़ें जगह पर पहुँच के। ये वो जगह जिसके लिए लगभग मैं 15 डिग्री सेल्सियस के अंदर 20 किलोमीटर स्कूटी राइड करके आया हूँ। तो अब चलते हैं मेन नज़ारों की तरफ, जिसको देख के हम लोगों को बारिश में आना पड़ा। आप भी देख के शौक जाओ, काफ़ी सुंदर जगह है ये। सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और जो यहाँ के व्यू है एकदम स्प्लेंडेड है। सो लेट्स गो। तो गाइस नज़ारा चेक करो, अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, अभी हमें काफ़ी आगे जाना है और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने के लिए, बट आप नज़ारा चेक करो और ये जगह देखो। चाइना के अंदर जिस सिटी के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे इतनी सारी जगह हैं घूमने की कि शायद मैं यहाँ 5 या 6 साल कंटिन्यू ट्रैवलिंग करूँ तब भी मैं इनको कवर ना कर पाऊँ। और हर एक चीज़ इतनी बढ़िया तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कवर कर रही है। भी आगे जगह है जहाँ पे हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं, चलते हैं। तो अभी हम लोग ऑन द वे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे नज़ारे ही नज़ारे हैं। ये दीपांश भाई इंजॉय करते हो हमारे, और ये जगह जगह पर इतनी सारी घूमने की जगह है, कोई नहीं आता। और यहाँ पर कोई नहीं आता क्योंकि चाइनीज लोगों को रात से फुर्सत मिले, यानी कि नाइट आउट से, अपनी नाइट लाइफ से टाइम मिले तो ही आए, क्योंकि पुराने लोग ज़्यादा इस जगह घूमना पसंद करते थे। बट इनके जो यूथ हैं, ये दीपांशु के साथ क्लब में और बियरों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको टाइम नहीं है ऐसी बढ़िया खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने का। भाई ये था असली मकसद हम लोगों को बारिश में आने का, क्योंकि इतने टाइम से वाटरफॉल ढूंढ रहे थे हम लोग। एक वाटरफॉल तो छोड़ो, थोड़ा पानी भी नहीं मिला हमें आसपास। बट ये चीज़ ढूंढने के लिए हम लोगों को 15 डिग्री सेल्सियस में और बारिश में आना पड़ा। ये जगह बिल्कुल फ्री है, यहाँ का कोई टिकट नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि देहरादून मसूरी में काफ़ी सारी जगह है, हाँ बिल्कुल है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलता। बट यार चाइना में ऐसी चीज़ें ढूंढना, एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी मज़ा आता है। जगह चेक करो, इस जगह का नाम आप मेरे सामने देख सकते हो, वो लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर। अब मैं इस जगह का नाम आपको बता दूँ, इस जगह का नाम है पाइखा। पाइखा का मतलब होता है वाइट रिवर इन चाइनीज। और ये जो जगह है, लाइक यहाँ पे ऐसा कोई रिवर नहीं थी, बट हमारी जो सिटी है यहाँ पर पास में एक डैम था, तो वहाँ से ओवरफ्लो होने के बाद इन लोगों ने इधर से एक काइंड ऑफ छोटी सी रिवर बाईपास करी, जिससे कि वो डैम का पानी ओवरफ्लो ना हो और सिटी के अंदर ना आए। और किसी ने नहीं सोचा था ये एक छोटा सा शॉर्टकट, एक छोटा सा सिटी को बचाने का जो वे था वो इतना खूबसूरत हो जाएगा। दीपांशु इन नज़ारों से बाहर नहीं आ पा रहा है। जब आप ऐसी जगह पर आते हो, खूब सारा टाइम इन्वेस्ट करके, अपना खूब सारी मेहनत इन्वेस्ट करके, और आपको जब ऐसे नज़ारे मिलते हैं तो जो फीलिंग आती है वो आप ऐसी जगह जाकर ही फील कर पाओगे, घर में लेटने से नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग नाउ, सो अमेजिंग प्लेस। तो मैं भी ट्राई करता हूँ वहां पे जाने का। दीपांशु ने इधर से कहीं से गया, पता नहीं कहाँ से, बता भी नहीं रहा। मैं ट्राई करता हूँ अगर हो पाता है तो। खैर सेफ है, आप लोग बेफिक्र रहना कि मैं कुछ इलीगल काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई करते हैं क्योंकि पत्थर काफ़ी स्लिपरी से दिख रहे हैं, करते हैं ट्राई। बारिश के टाइम पे ऐसी जगह
थोड़ी कम सेफ भी होती हैं। शायद उधर से रास्ता था बट हमें कुछ ज़्यादा जल्दी थी तो हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया एक। तो तुम्हारा भाई भी फुल मैन वर्सेस वाइल्ड हो रखा है। उधर से बढ़िया पत्थर से नीचे होते हुए आ गया, गिरने से बचा बट चुल है ही ऐसी चीज। और सामने चौधरी दीपांशु को देख लो, रुकने का नाम ही ले रहा है। अब तेरे घर के देखेंगे तब तुझे पता लगेगा। ये जो जगह है इसके बारे में मैं लगभग एक साल से रिसर्च कर रहा था और हर वीक ऑलमोस्ट मैं देखता था। कोई बार जब बारिश होती थी तो हम लोग बिजी होते थे, हिम्मत नहीं होती थी यहाँ पे आने की क्योंकि लगता था कि यार कोई लाइक सेफ्टी भी, सेफ्टी वाले पर्पस दूसरी कंट्री में हम लोग होते हैं तो सेफ्टी पर्पस बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है क्योंकि यार घर से दूर होते हैं। बट आज काफ़ी सारी हिम्मत करके मैंने सोचा कि यार आज कुछ भी हो आज ये वाला वाटरफॉल देख के आना है। जनरली क्या होता है, ये वैसे तो बहुत कम फ्लो होता है यहाँ पे बट जब बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी जब तेज़ बारिश होती है जैसे आज लगभग दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है तब जाके हमें नज़ारा मिला ऐसा। फिर क्यों ना अगर आपके आसपास ऐसा कोई लाइक आपके पास ऑप्शन है या फिर आपको ऐसा चांस मिलता है ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का, क्योंकि शायद अगर मैं यहाँ पे चाइना के अंदर एज अ टूरिस्ट आता तो ये जगह तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल होती, मैं इतनी छोटी छोटी बढ़िया सी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर कर पाता। बट मैं चाइना के अंदर हूँ, काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ तो काफ़ी सारी नॉलेज भी है, चाइनीज़ ऐप्स वगैरह भी यूज़ करने आती हैं। अगर आप चाइना के अंदर है तो आपको सबसे बढ़िया मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक सिटी या फिर एक काउंटी आपको प्रोविंस एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आप चाइना के अंदर एक गोदा ऐप करके आता है, गोदा नाम है ऐप का, उसको इंस्टॉल करो। उसमें जैसे आप अपनी जगह की लोकेशन डालते हो तो साथ में नीचे में जो भी आपके नियरेस्ट बढ़िया बढ़िया जगह घूमने की होती हैं तो उसमें आती रहती हैं। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा आप अगर आप चाइना के अंदर हैं या फिर आप चाइना ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करो या तो कोई आपको अच्छा टूर गाइड बच गया या तो आपको कोई अच्छा टूर गाइड मिले जो आपको अच्छे से गाइड कर सके या फिर आपके पास ये वाली गोदा ऐप हो। ये दो चीज़ आपके पास होंगी, ये दो में से कोई एक भी चीज़ होगी तो आप चाइना के अंदर आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बट थिंग इज़ ये सारी ऐप जो पूरी की पूरी ऐप है चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर होती है तो आपको चाइनीज़ आनी चाहिए या फिर आपके पास कोई अच्छा सा गूगल ट्रांसलेटर या फिर बायजू ट्रांसलेटर होना चाहिए। खैर अभी चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कोई और अच्छी जगह है कि नहीं। खैर आई थिंक इससे अच्छा क्या ही होगा, मेरा यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा बट चल के देखते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और नज़ारे नज़ारे लाइक जब से एंट्री करिए बढ़िया से बढ़िया होते जा रहा है, लाइक जितना आगे जा रहे हैं इतना ही बेटर हो रहा है। चल के देखते हैं आगे, शायद इससे भी ज़्यादा हो। वो हमारे मैन वर्सेस वाइल्ड आगे पूरे वाइल्ड हो रखे हैं, ये नहीं पता करिए पत्थर अगर स्लिप हुए हम तो क्या होगा, करना क्या चाहते हो, इरादे ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। देखो मतलब बुरवाज बुरा एक्सप्लोरर बन रखे हैं, मुझे भी नहीं पता ये बबल किस चीज़ के हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको किस चीज़ के लग रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। इसे शॉर्टकट लेके आ गया, हमारे दीपांशु भैया उधर मैन वर्सेस वाइल्ड बन रखे हैं। अब मैं भी ट्रैप हो गया, वोट वोट फिलहाल मैं भी ट्रैप हो चुका हूँ। कोई नहीं, थोड़ा शू गीला कर लेंगे, क्या ही कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए काम खराब यार, बहुत ठंडा पानी है यार भाई। चलते हैं आगे की तरफ, यार काफी ठंडा पानी था। सो ये था जो मैं दीपांशु को आते वक्त बता रहा था कि यहाँ पे एक ऐसी भी जगह है। दीपांशु कर लेते हैं यार अगर खुला हो तो, आजा। ओ लोक है, सेफ्टी का पर्पस तो इनका किसी भी जगह चले जाओ
सेफ्टी ऐसे रखते हैं कि बस पूछो मत, वरना मजा से आता। अभी इतना बड़ा नहीं है बट कोशिश करते गिरने का। चीज देखो, लाइक हम लोग सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर अंदर एक माउंटेन्स के, और इन्होंने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपना इनकम का सोर्स बोलो या फिर एंटरटेनमेंट का पर्पस बोलो, जो भी हो, बट ये लोग हर चीज़ को इतने अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। किंग फिंगर्स को डर मानो या फिर यहाँ के लोगों का कंट्री के लिए प्यार मानो, मुझे नहीं पता, कमेंट में आप लोग बताना, बट ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं कि काश हमारी कंट्री में भी ये सब चीज़ें हों। तो अगर कोई भी मिनिस्ट्री वाला या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई कोशिश करो, हमारा इंडिया इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है। आज ही सारी एक्टिविटी बंद है, हम लोग देखते हैं आगे कुछ होगा, लग तो नहीं रहा। वापस से शू को, अब दीपांशु की बारी अपने शूजों को मेरे व्यूवर्स के लिए खराब करने की। अच्छा व्यूवर्स के लिए इतना तो बनता है यार, चोट ना लग जाए। जबरदस्त, बस यही चीजें सीखने के लिए मैं दीपांशु भाई के साथ आया हूँ आज, क्योंकि एक्सपर्ट है काफी टूर एंड ट्रेवलिंग में। और चौधरी टूर एंड ट्रेवल, और इसकी भी काफी जानकारी रखते हैं जंगल की। यहाँ पे दीपांशु भाई पहले बीन बजाया करते थे, ऐसे इनके खुद के शब्द हैं, और सारी चीजें कंट्रोल में कर लेते थे। तो राउंड टू में मैं मोटरसाइकिल के दीपांशु भाई भी गीले होते हुए, मेरे शूज ऑलरेडी गीले हुए। ये था मेन शॉट पूरी वीडियो का, पता नहीं क्या चढ़ी थी दीपांशु भाई को यार। थैंक यू सो मच दीपांशु भाई यार, ये बात भी मान नहीं रहे भैया। अभी हमारे मन में आ रही है एक चीज, ये सारी एक्टिविटी बंद है, बट एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कहीं ना कहीं से तो जाएंगे इस बियर जंगल में, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। आई थिंक वी कैन यूज दिस, हम यहाँ से चढ़ के, मे बी पक्का अंदर से बंद होगा। चलो लेट्स ट्राई, चलो देखते हैं। आई थिंक ये ट्री हाउस है, ये ट्री हाउस है पक्का। दीपांशु यहाँ कैंपिंग कर सकते भाई, लाइट वगैरह ला के क्या घर के भी देख रहे होंगे कर ले सब कुछ गीला हो जाएगा यार। हम लोग मजाक में हमने एक ट्री हाउस ढूंढ लिया, आई थिंक इसकी कोई फीस वगैरह भी नहीं है, क्योंकि अगर फीस होती तो यहाँ पर लोग खराब होता या QR कोड लगा होता। उधर बैठने का लाइक अपना डाइन वगैरह डिनर वगैरह कर लो, इधर आराम से रुक जाओ, बस अपनी इलेक्ट्रिसिटी यानी ये पावर बैंक और लाइट्स वगैरह लेके आओ, तो आई थिंक इट्स फाइन अगर साफ करो तो। बाकी इसका जो भी है मुझे तो नहीं पता, बाकी गार्ड से पता करेंगे जाते टाइम। खैर है बड़ा बढ़िया सा अपना लाइक पर्सनल ट्री हाउस। चले गंदा पानी था यार क्या चीज, अच्छा सो गुड यार। तो आप सब भी देख लो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रहे हैं, बाकी काफी कुछ है देखने के लिए बट लगता नहीं जा पाएंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया चलते चलते। ट्राई करते हैं, अभी अंधेरा होने में लगभग 20 मिनट है, हम लोग ट्राई करेंगे 20 मिनट तक जितना भी एक्सप्लोर कर पाए, उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है लाइट तो है नहीं कोई भी, और अंधेरे में यहाँ से जाना
आई डोंट थिंक सो कि सेफ होगा, तो ट्राई करेंगे हम लोग अभी 20 मिनट तक कंटिन्यू ऊपर जाएंगे, फिर वापस आना स्टार्ट करेंगे। जगह इतनी खूबसूरत है कि इससे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, और वापस जाने की तो खैर बात ही अलग है। हर 3-4 मिनट में बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स आ रहे हैं, बट सीरियसली शायद अगर आप यहाँ पे होते खुद, क्योंकि टेम्परेचर भी 15-16 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी जगह पे तो और भी कम होता है, लाइक जैसे बाहर सिटी में 15 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ 12-13 होगा। आप खुद ही देखो, मुझे मैं जैकेट पहन के हूँ, काफ़ी काफ़ी मोटी और काफ़ी वॉर्म है। मैं इसके अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ और इतनी देर से वॉक कर रहे हैं तो बॉडी वैसे भी वॉर्म हो गई होगी, बट मुझे अभी तक हल्की हल्की सर्दी फील हो रही है। मेरी नोज़ भी देख सकते हो आप और हाथ भी, बट ये जगह और ये व्यू इतना स्प्लेंडेड है, इतने ज़्यादा खूबसूरत से है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा, ना भूख फील हो रही है, ना सर्दी फील हो रही है, नथिंग। और हम लोग ये वाले रास्ते यूज़ ना करके ये यूज़ करें, क्योंकि ये शॉर्टकट भी है, थोड़े से डेंजर है बट ये शॉर्टकट है। और तो नहीं मानेगा, आज निफान से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है 4-5 बार अपने को बचाने की, मैं भी। तो शायद किसी जगह पहुंच गए हम लोग, क्योंकि 4 जगह लिखी हुई थी पीछे कि यहाँ पे 4 जगह हो रहे हैं, तो हम लोग किसी एक जगह पहुंच गए। बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है क्योंकि पत्थर अभी काफ़ी स्लिपरी हो रहे हैं, कहीं लग वगैरह जाए फालतू में। तो ये कुछ आप मेरे पीछे जगह देख सकते हो, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे स्टोन बुद्धा करके, शायद कुछ स्टैचू वगैरह होंगे बुद्धा जी जो भी हैं उनके। तो आप मेरे सामने देख सकते हो जो लिखा था पीछे बुद्धा स्टोन, ये सामने इन्होंने बना रखा है या पता नहीं क्या है, चल के देखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पत्थर स्लिपरी हो रखे हैं, 2-3 बार मैं गिरने से बच गया और दीपांशु तो गिर ही गया, वो था ये स्टोन जिसकी बात हो रही थी। मज़े, शायद कुछ बड़ी ऐसी जगह है ऊपर, दीपांशु की आह निकल गई ऊपर पहुँच के, देखते हैं चल के। जब ऐसी जगह पर आते हैं तो मतलब सब कुछ भूल भाल के सिर्फ नज़ारों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं कुछ याद ही नहीं रहता। तो सीरियसली ये थी वो जगह जिसके पीछे लगभग 1 साल से पागल था कि जाना है जाना है। यू चाइनीज लोग कुछ फ़ोटो भी काफ़ी अच्छे तरीके से लेते हैं, तो मैंने देखा था वेबसाइट के ऊपर, यानी कि वो जो गोदा ऐप है उसके ऊपर काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया फ़ोटो डाल रखे थे लोगों ने, तो जगह बिल्कुल सेम वैसी निकली। लैंडस्लाइड है तो भैया आई थिंक सेफ नहीं है। आप सामने देखो, जस्ट अभी एक लैंडस्लाइड हुई है, आप देख सकते हो ये सामने पत्थर पड़ा है और ये जस्ट अभी की है। तो अभी हम लोगों को यहाँ से वापस निकलना ज़्यादा सेफ है क्योंकि जस्ट अभी अभी हुआ है। एक ये केव है, आप मेरे सामने देखो, इसी के ऊपर से अभी ये लैंडस्लाइड हुई है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी थी, इसने थोड़ा सा डरा दिया क्योंकि यार माउंटेन्स में कुछ ऐसा हो जाए तो डायरेक्ट जान ही जाएगी। जो मेरे घर वाले देख रहे हैं ज़्यादा, आप लोग ज़्यादा सेंटी मत हो ना, मैं ध्यान से रखूँगा, बट ये चीज़ जस्ट अभी हुई है और कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई बाहर नोटिस नहीं था कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से, बस ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। और यार बारिश का टाइम है तो खैर आई डोंट नो, यार काफ़ी बड़ा सा पत्थर था। दीपांशु कैसा था भाई? काफ़ी बड़ा सा, अगर शायद किसी के ऊपर गिरता तो आई डोंट थिंक सो स्विच ऑफ हो जाता वो। और ये देखो आप, कोई चीज़ है जो फॉलो कर रही है, अभी आगे कोई केव टाइप है तो भी थोड़ा डर लग रहा है, क्या करें क्या नहीं, चलते हैं यार जो होगा देखा जाएगा। अब आए हैं यहाँ तक तो इतने ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ के लिए टाइम निकाला है, उतना मन था, देखते काफ़ी नैरो सी है,
और पीछे लैंडस्लाइड देख के थोड़ा सा डर लग गया। पहले हमारे जवान दीपांशु चौधरी जा रहे हैं, वरना यहीं तक ही हमें रुकना चाहिए। हाँ हेलो, ये आप देखो कितनी नैरो सी जगह है, और अभी लैंडस्लाइड देख के हैं। भाई की हिम्मत चेक करो, मतलब रुकने का नाम ही ले रहा है एक्साइटमेंट में फुल। ये मैंने फोटो देखा था, काफ़ी साफ सा पानी था, अभी शायद बारिश की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया, मे भी कल तक ठीक हो जाएगा। चलते हैं यार, रास्ता काफ़ी नैरो है, थोड़ा डर भी लग रहा है, बट इट्स ऑल राइट। अब यहाँ तक आए तो चले भाई, कैसा है? बहुत प्यारा है। वाओ भाई, मुझे लगा तू मजाक कर रहा है यार, क्रेजी। और जगह देखो एक बार, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि इतना, मतलब वहीं पे लोग रुक जाएंगे या फिर जहाँ पे हम थे वहाँ पे। ये वाली चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल, और मुझे लगता है जितना हम लोग ऊपर जाएंगे इतने बड़े बड़े तो वाटरफॉल हमें मिलते रहेंगे। आप खुद ही देख के बताओ ये जगह कि हमारा यहाँ पे आना वर्थ इट है कि नहीं है, कमेंट करके। मुझे तो पूरा वर्थ इट लग रहा है, पीछे डर भी लगा थोड़ा सा, बट शायद अगर हम वहाँ से वापस आते तो ये बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसी तरह की काफ़ी सारी जगह है इस वाले माउंटेन के ऊपर, कि मैं शायद मुझे दो दिन तक भी मैं कंटिन्यू अगर क्लाइंब करता रहूँ तब भी मुझे लाइक तब भी जगह ख़त्म ना हो। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाने का मन कर रहा है, उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। क्या बोलते चौधरी साहब, चलना चाहिए ऊपर थोड़ा सा और? लेट्स गो। ओके भाई, डरने का नाम ही ले रहा था पांचू, बिल्कुल आंखों के आगे लैंडस्लाइड हुआ है हमारे, और काफ़ी बड़ा सा पत्थर ऐसे नहीं छोटा मोटा गिरा हो, मतलब ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देखो पूरा तोड़ के वो पानी के अंदर पड़ा हुआ पत्थर, आधा और आधा ऊपर। यहाँ पे थोड़ा ठीक है, मतलब लैंडस्लाइड के तो यहाँ भी चांसेस है, बट वहाँ से सेफ है, वहाँ बिल्कुल बराबर में थे पत्थर। सिर्फ इसके लिए हम लोग आए थे यहाँ पे, जगह चेक करो यार, सच में इतना छोटा सा ये, मतलब ये एंट्रेंस है इसका, और आपके सामने दिख रहा हो ये वाला, कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब इतने से नैरो से एंट्रेंस के बाद इतना बढ़िया नज़ारा देखने के लिए मिल सकता है। ये प्रॉपर वाटरफॉल हम कह सकते हैं, वो भी थे छोटे छोटे, बट ये प्रॉपर है, मतलब ये भी प्रॉपर नहीं है, वो तारों में सबसे बड़ा यही है। देख लिया वाटरफॉल जिसके लिए हम लोग आए थे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने वाला है और पूरे में लाइट वगैरह नहीं है, तो चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिली हमें, देखो आप सामने एंड पॉइंट हो गया हमारा, ये भी ऊपर से गिरा होगा पक्का, इस पेड़ से या कहीं से टूट के। तो ऐसी जगह कोई बार सेफ नहीं होती है, खासकर वेदर जब ख़राब हो तो, बट यार ये वाटरफॉल ख़राब वेदर में ही चालू होता है। खैर देख लिया यार, जिसकी उम्मीद थी आने की, लाइक जिसके लिए इतना एफर्ट लगा है, शू पूरे गीले हो गए हैं, सर्दी लग रही है, कपड़े भी थोड़े थोड़े गीले हो गए हैं, पूरे तो नहीं, बट जगह बहुत मस्त लगी। चलते हैं अब घर की तरफ, जो कुछ नज़ारे आए तो मैं दिखाऊंगा आपको ज़रूर। ये देखो, मतलब बिल्कुल सर पे पहाड़ है, सर के ऊपर। अभी कोई नज़ारे आए तो दिखाऊंगा आपको। बाकी कैसा लगा आपको व्लॉग यार, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, थोड़ी मोटिवेशन मिले। लोग आते वक्त अभी बात कर रहे थे कि अगर हम लोग शायद किसी और अननोन ऐसे फॉरेस्ट में जाते या कहीं भी लाइक किसी और कंट्री में जाते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइक क्रिएचर, नॉट अ क्रिएचर, कुछ ना कुछ एनिमल या इंसेक्ट्स हमें मिलते। बट हम पूरे माउंटेन पे ऑलमोस्ट 60-70% कवर कर चुके हैं अभी तक हमें, और अब जगह देखो कुछ इस तरीके की जगह है, मतलब चारों तरफ जंगल है, बीच में पानी है, हमें अभी तक एक भी चीज़ नहीं मिली है। लाइक अच्छी बात है, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फिर मैंने दीपांशु को बोला कि दीपांशु यार ऐसा क्यों है, आप हंसोगे बहुत, बट दीपांशु का यही रिप्लाई था कि भाई इनको अगर कुछ भी मिलेगा ऐसा कुछ तो इनकी कढ़ाई में होगा। तो ये सच बात है, चाइना के अंदर लोग सब कुछ खाते हैं, और आज इस बात को इस जगह ने स्टैम्प कर दिया कि हाँ यार शायद सब कुछ ही खा रखा है, इसलिए इनके एनिमल काफ़ी डर के छुप के रहते हैं। एक चीज़ नहीं मिली हमें यहाँ पे, खैर वी आर थैंकफुल कि नहीं मिला कुछ भी, बट ये वाली काफ़ी अलग सी बात थी, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, काफ़ी फेमस था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी नहीं,
यार बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके पीछे क्या रीज़न है। तो गाइस अभी पता नहीं क्या चीज़ दिखी यहाँ, कुछ क्रिएचर ही था क्या, कहाँ था पता नहीं कहाँ है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, अजीब सा था। दीपांशु ने देखा पता नहीं क्या था। चल भाई चल यार, डर लग रहा है भाई, चल चल सीरियसली यार, चल ले भाई, अंधेरा होने वाला भाई। देख कुछ अनाउंसमेंट हो रही है ना, कैमरे लगे हुए, बढ़िया है। इंटेलिजेंस ही देखो आप, जैसे कि इधर से पानी आ रहा है, ये वाला एरिया शायद ज़्यादा गहरा होगा, अगर वीडियो आपको समझ आ रहा हो तो। इधर ठीक है, और इन्होंने हर जगह रेस्क्यू वाला सिस्टम रखा हुआ है, एक ये लंबा सा बांस, एक ये ट्यूब। तो चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं, जो भी आप लोगों के प्रोस्पेक्ट हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को लेके, बट यार ये वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इनके अपने पीपल्स के लिए जो अरेंजमेंट है और जो साफ सफाई है, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को चाइना से सीखना चाहिए। नॉट एवरीथिंग बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना से ज़रूर सीखना चाहिए, जैसे कि सफाई। लाइक अगर हमारी कंट्री में होता है तो वो सामने रखा हुआ है, अब तक वो गायब होता है, यहाँ पे होता ही नहीं, या फिर कुछ ना कुछ उसके साथ ख़राब भी है, छेड़छाड़ी कर देते, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला सिस्टम है ही नहीं, लोग खुद ही चीज़ों को सिक्योर रखते हैं। उनको पता है कि हम घर ले जाएंगे या तो हम खरीद भी सकते हैं, या अगर हम यहाँ से ले गए और कोई बंदा डूब गया या मर गया, या उनका कोई बंदा मर गया उनमें से कोई ले गया, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चाइनीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं जो इनकी गवर्नमेंट कर रही है, और इनकी गवर्नमेंट का डर भी। और ये आज का सबसे छोटा वाटरफॉल। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बिलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रांश भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आते वक्त बात करते करते मैं टाइम का पता नहीं चला, हम लोग थोड़े से इधर चले गए, बड़ी स्कूटी इधर खड़ी है, तो चलते हैं स्कूटी के पास।